नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ढेर सारे डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। बॉर्डर के बाद पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे और दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो बॉर्डर के बाद दो लाइन बनाने के बाद तीसरी लाइन में डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब ऊन दूसरी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे में 3 लाइन नीचे आएंगे, 1, 2 और 3 लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर इसी जगह पे सिलाई डालेंगे और एक दूसरा लूप निकालेंगे। अब इस लूप को दाहिनी सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे। ऊन दूसरी ओर करेंगे, अब दूसरे फंदे में, ये पहला फंदा, ये दूसरा फंदा, दूसरे फंदे में 3 लाइन नीचे आएंगे, 1, 2 और 3 लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे और 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 2, 3, फिर इसी जगह पे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकाल लेंगे। अब इस लूप को दाहिने सिलाई में चढ़ा लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए 3 का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 लूप निकाला तो 2 फंदा अधिक हो गया, यहाँ पे 3 का एक किया यानी कि 2 फंदे बैलेंस हो गए। अब 3 का एक करने के बाद अब नेक्स्ट दूसरे फंदे में 3 लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे और इसे दाहिने सिलाई में ही रहने देंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर इसी जगह पे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इसे दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा देंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे। ऊन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदे में 3 लाइन नीचे, सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर इसी जगह पे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट में 3 फंदे बचे हैं तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर, लास्ट फंदा सीधा। तो हमने बीच में 3-3 फंदों को लेके 3 का एक किया है और दोनों साइड में 2-2 फंदों को लेके 2 का एक किया है। रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड से सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। तो सभी फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं। 4 लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर 5वें लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे।
तो पांचवें लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए गए। अब ये छठा लाइन है और सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। छठे लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए गए। अब ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदा सीधा बनेंगे। फिर अब हम दूसरे फंदे कर जो हमने बुन लिया है उसमें दूसरे फंदे में तीन लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे और इसे दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा देंगे। उन अपनी ओर करेंगे, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। अब उन दूसरी ओर करेंगे और दूसरे फंदे में तीन लाइन नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ तीन लाइन नीचे कौन सा फंदा है, जो हमने तीन फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुना था, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जो छेद दिखाई दे रहा है इसी में हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। फिर तीन फंदा सीधा, अब फिर इसी जगह में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और ये देखिए जो दोनों लूप हमने निकाला था, तो दोनों लूप के बीच के जो तीन फंदे हैं उन्हें हम तीन का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा दूसरे फंदे में तीन लाइन नीचे। अब देखिए ये वही फंदा है जिसे हमने तीन का एक किया था, तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। फिर तीन फंदा सीधा, फिर इसी जगह में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा, दोनों लूप के बीच के तीन फंदे ये उल्टे हो जाएंगे। ये दोनों लूप गया था और बीच में जो तीन फंदा था उसे हमने तीन का एक कर लिया। उन दूसरी ओर करेंगे और दूसरे फंदे में तीन लाइन नीचे, देखिए उल्टा फंदा है, इसके ऊपर जस्ट हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर इसी जगह में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुना था, तो इसी फंदे के जस्ट ऊपर एक लूप निकालेंगे और लास्ट के तीनों फंदे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं आठों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है, तो डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, तो डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।